सरस्वती नदी भी है जो लुप्त है। हाँ। और ऐसा लग रहा है जैसे दूध आ रहा होगा पूरा का पूरा आगे। चार मुख वाला शिवलिंग भी है जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, पूरा कोहरा कोहरा लगा हुआ है, दूर कहीं धूप दिख रही है बट इतनी विजिबल नहीं है। और एक बार स्केट हो गई गलती से तो वैसे लगी होगी है नहीं, ग्लव्स पहन रखे थे और हेलमेट पहन रखा था। तो भाई लेफ्ट साइड में पहाड़ में देख सकते हो कितनी तगड़ी स्नो पड़ी हुई है और वहाँ का मौसम ख़राब है, वहाँ तो और पड़ने वाली है। और मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ तो आज बारिश होनी होनी पक्का है, मतलब क्योंकि धूप 9:30 बज गए, अभी तक धूप हल्की सी भी नहीं दिखी है और मौसम वैसे ही ख़राब हो रखा है। भाई ये लोल्टी पहुँच चुके हैं हम, यहाँ से मतलब मेन रोड आप ये स्टार्ट होता है NH, ये ऊपर था पूरा गांव वाला रास्ता, तो यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न। तो भाई ये सामने वाली स्कूटी में जा रहे हैं भरत भाई रेड एंड टॉर्क में, जो कि हमें कल मिले थे, और आगे जा रहा गौरव एक नई एंड टॉर्क लेकर जिसकी सेकंड सर्विस होनी है। तो अभी एक भैया ने बोला कि वाली स्कूटी भी ले जाओ और उसको सर्विस भी दे देना, तो अभी बागेश्वर जा ही रहे हैं तो हमने कहा क्यों ना सर्विस पर दे ही दें इसे। भाई आधा रास्ता तो ऐसे ही है, मतलब आते वक्त तो हमें ऐसे ही मिला पूरा का। भाई थोड़ा अभी आगे आए थे और यहाँ पे हमें एक मेमोरियल सा दिखा जिसमें मतलब यहाँ पे मतलब वेस्ट बंगाल के बंदे थे वो आए थे, तो मतलब एक्सीडेंट हुआ था, मतलब कार नीचे चली गई थी उनकी, देख सकते हो लिपिका छपल कुशाल धर चौधरी एंड ड्राइवर जो भी उनके साथ ड्राइवर था, और भाई हुगली के थे वेस्ट बंगाल के, तो मतलब ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी मेमोरी में बनाया ये। बाकी व्यू आप देख सकते हो यहाँ से कितना सही लग रहा है, और हल्की हल्की बारिश बूंदे पड़ने स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। अभी हॉल्ट लिया है हल्का सा 2-4 मिनट का, फिर यहाँ से निकलेंगे। बाकी बूंदे देख सकते हो पड़ने लग गई है, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ की मतलब लोकल महिला है, मतलब ये घास और ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेकर आती है ऊपर जंगल से, देख सकते हो कितनी ठंड हो रही है, और इस ठंड में भी लोग काम कर रहे हैं ऊपर जंगल से लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। और इन्हीं जंगलों में मतलब भालू लगा हुआ है, भालू लगा हुआ है मीन्स मतलब इस जंगल में भालू है, तो देख सकते हो भाई अपनी लाइफ रिस्क में डाल के कैसे काम करते हैं यहाँ के लोग। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड तक। तो आज बागेश्वर जा रहे हैं घूमने और निकल चुके हैं यहाँ से। बागेश्वर एक्चुअली कुमाऊँ में आता है और चमोली उत्तराखंड में, तो एक तरीके से हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं आज घूमने। बाकी भाई मौसम आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, इनफैक्ट आज बारिश पक्का होगी क्योंकि आज और कल येल्लो अलर्ट है उत्तराखंड में। भाई ये है ग्वालधाम की झील और इसको क्या बोलते हैं डाक बंगला, आई थिंक यार डाक बंगला। तो भाई इस टाइम पे ग्वालधाम पहुंच चुके हैं और ये है मेरे पीछे ग्वालधाम का डाक बंगला, और यहाँ पे लेक भी है, और देख सकते हो मतलब बेसिकली यहाँ पे गेस्ट हाउस है, मतलब वो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के, और ये पीछे आर्मी का कैंप है, और बाइकें अपनी यहाँ पे सेट है, और देख सकते हो थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी हो रही है। और इस टाइम पे मैं हेलमेट भी नहीं उतार रहा क्योंकि यार बहुत ठंड हो रही है, लिटरली मन नहीं कर रहा हेलमेट उतारने का, बस ग्लव्स पहने हुए हैं हाथ में, एक ग्लव्स उतार रहा है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। बाकी गौरव आगे पहुंच चुका है तो आगे चलते हैं फिर। अब मुझे तो बहुत प्यारी जगह लगी है ग्वालधाम, ऑल्दो यहाँ पे आपको ज़्यादा होटल्स मिलेंगे नहीं, मतलब होटल्स हैं मतलब 2-4 बेकार से हैं, और ये ऊपर गेस्ट हाउस है गढ़वाल मंडल का। तो यहाँ पे कहीं जा रहे हैं हम छोले चाट खाने, अब देखते हैं कहाँ पे। यहाँ पे रुके हैं अभी ग्वालधाम में आलम सिंह के रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे खा रहे हैं हम, क्या खा रहे हैं ये छोले समोसे खा रहे हैं, देख सकते हो कि बहुत ही फेमस है। तो अभी यहाँ पे रुके थे, हमने कहा चलो ये खाते हैं फिर निकलेंगे, उसके बाद आगे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, क्योंकि सुबह खाया नहीं था कुछ, और भाई फ़ोन पे लगा पड़ा खा ले करो तो खाया जाए फिर। सौरभ भाई की तरह ब्लॉग बना रहे हैं, सीक्रेट सौरभ भाई से थोड़ा बहुत आपको सब्सक्राइब कर करके देख देख के तो चलो भाई फिर खाते हैं बस। तो भाई देख सकते हो कुमाऊं में एंटर करते ही मतलब रास्ता सा कुछ ऐसा मिलता है आपको ग्वालधाम से जब आप आते हो, और दोनों साइड अब चीड़ के पेड़ हो गए, तो यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है अब। तो भाई यहाँ पे स्कूटी बाइक रुकी है क्योंकि व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा है।
भाई अभी रुको है ग्वालदाम से थोड़ा सा आगे और पीछे का व्यू देख सकते हो भाई, एक नंबर हो रखा है बाइक हमने यहाँ पे लगा रखी है। और एक बार ढंग से दिखाता हूँ व्यू, पीछे का व्यू देखो भाई, पूरा कोहरा कोहरा लगा हुआ है और दूर कहीं धूप दिख रही है बट इतनी विजिबल नहीं है। और देख सकते हो कितना प्यारा रास्ता है, जैसे ही कुमाऊं हमने एंटर करा और यहाँ की ग्रीनरी एक नंबर एक नंबर, बहुत सुंदर है भाई। हाँ फोटो शूट हो चुके हैं हमारे और अब हम निकल रहे हैं, निकल रहे हैं बस यहाँ से, फिर आगे का व्यू दिखाते हैं। अब चलते हुए दिखाएंगे, कौन सी है सरयू? तो भाई ये है सरयू नदी। और यहाँ से जाएंगे, यहाँ से अभी आगे पुल से राइट लेके है मंदिर, तो वहीं जाएंगे। बाकी आज बारिश अभी तक हुई तो नहीं है, मे भी आगे हो जाए। यह बागनाथ मंदिर का द्वार अभी यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ सारी तो भाई ये है बागनाथ मंदिर, बागनाथ तो ये होगी मेन एंट्रेंस। नो ड्रोन जोन, पंडित आन जी। अच्छा ठीक है, और ये आप हमें आपकी स्टोरी सुनाएंगे ठीक है। माता पार्वती ने गाय के रूप में दर्शन दिए थे ठीक है, मुनि मारकंडे जी को। अच्छा तो मुनि मारकंडे जी संगम में तपस्या कर रहे थे। ओके तो जो ऊपर से गंगा आई, उन्होंने गंगा को रोक लिया। अच्छा तो गंगा को आप शिव जी ने कहा ये कैसे हो सकता है, तब गंगा को आगे कैसे बढ़ेगी जब तक उनकी तपस्या भंग नहीं होगी। बिल्कुल तब शिव जी ने बात कर माता पार्वती ने गाय, जब बाप गाय को छुपाने के लिए गया तो गाय ने आवाज दी माँ करके, अच्छा तब बचाव करके ना हाँ। तो तब मारखंडे जी की तपस्या भंग हुई तो तब गंगा नदी आगे को बढ़ी। हाँ इसलिए यहाँ यहाँ मारखंडे जी की तपोभूमि कहा गया है। अच्छा। और दूसरा यहाँ भी यहाँ का नाम बागनाथ पड़ा, बागनाथ बागी। भाई अंदर मेन मंदिर है बट उस साइड में जाऊंगा नहीं क्योंकि यार अंदर दिखाना सही नहीं आ रहा था, बस बाहर से दिखा रहा हूँ। ये है बागनाथ मंदिर और यहाँ पे चार मुख वाला शिवलिंग भी है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, एंड देन वहाँ पे नंदी जी। और ये है मंदिर पूरा, बाकी ये है साइड से मंदिर के यार अंदर का मैंने पूरा दिखाया नहीं क्योंकि यार मतलब दिखाना नहीं चाहिए, वैसे अलाउड था मैं दिखा सकता था बट स्टिल मैंने नहीं दिखाया। और बाकी ऐसा सा कुछ है ये मंदिर हूबहू मतलब थोड़ा मतलब केदारनाथ जैसा मंदिर है उसी टाइप में है। अब बारिश भी हो गई स्टार्ट, अब निकलेंगे बस थोड़ी देर में यहाँ से। भाई यहाँ पे देखो जैसे अभी हाथ धो रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे दूध आ रहा होगा पूरा का हाथ में, देख सकते हो। तो भाई मैं मंदिर से थोड़ा लेफ्ट में आ गया, ये देखता है आपको यहाँ से ब्रिज बन रहा है नया और ये शिव जी की मूर्ति और यहाँ पे भी मंदिर है एक और नीचे नदी। चलना कहाँ जा रहे हो? पुल रेनोवेट हो रहा था उसी के जस्ट ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ से देख सकते हो व्यू, वहाँ पे लोग पूजा भी कर रहे हैं नीचे उस साइड भी देख सकते हो। और एक्चुअली यहाँ पे संगम होता है और यहाँ पे जो सरस्वती नदी है वो गुप्त है, मतलब दिखती नहीं है वो सरस्वती नदी, मतलब उनको कुछ श्राप मिला था उस टाइम पे है। गौरव क्या श्राप मिला था उन्हें कुछ मतलब गुप्त है सरस्वती
नदी को शराब मिला हुआ था तो इसलिए वो इसके संगम में दिखती नहीं है, बट यहाँ पर सरस्वती नदी भी है जो लुप्त है। हाँ। और ये सरयू नदी और गोमती नदी का तो भाई देखो जैसे भाई ने बताया कि मतलब हाँ यहाँ पर सरस्वती नदी गुप्त है, मेरे को भी नहीं पता था। हाँ बाकी यही है और देख सकते हो वहाँ पे छोटा सा ब्रिज बन रखा है जहाँ से लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये नदी पूरी कितनी सही है। तो भाई अभी नदी के किनारे आ रखे हो, पीछे देख सकते हो नदी बह रही है और वहाँ पे आगे पूजा वूजा चल रही है और यहाँ पे भी चल रही है और इनफैक्ट यहाँ पे शिव जी जी की पेंटिंग बना रहे हैं भैया पत्थर पे। और बाकी उधर कहाँ जा रहे हैं कुछ ऐसा है और ये वाला जो मैंने आपको ऊपर से ब्रिज दिखाया था यहाँ पे भी जाएंगे, चलते हैं ना एक बार ये भी एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस करना क्या है, तो तैयार है। फोटो शूट यहाँ पे करवा लिया हमने नदी के पास और देख सकते हो यहाँ पे सारे के बहुत सारे होटल वोटल भी है, तो कभी आप इन फ्यूचर आते हो तो भाई आपको होटल्स की प्रॉब्लम होने नहीं वाली क्योंकि नदी के पास ही रिवर व्यू आपको होटल मिल जाएंगे। देख सकते हो बाकी आप कितने सारे होटल्स हैं, इस साइड भी हैं उस साइड भी हैं, होटल काफी सारे हैं बागेश्वर में, काफी सारे होटल हैं यहाँ पे, सुंदर भी है काफी ना, लिटरली बहुत सुंदर है और पूरा मार्केट एरिया है, होटल वोटल भी है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो भाई अभी बागेश्वर से 5 किलोमीटर आगे आए थे और देख सकते हो भाई पूरी बारिश हो रही है यहाँ पे और अभी यहाँ पे शेड ले रखा है हमने, यहाँ पे शेड है तो बस अभी हेलमेट वेलमेट उतार के सारे के सारे यहीं बैठे हुए हैं और बाइक अपनी यहाँ खड़ी है और रास्ता पूरा गीला हो रखा है। अभी वैसे ही 2 घंटे हमें लगने हैं और रास्ता ऐसा तो फिर और धीरे चलेगी क्योंकि स्लिप होने का डर है पूरा। आधा घंटा हो चुका है, बारिश तो रुकनी थी बट घर तो पहुंचना है यार, टाइम हो रहा है, हमने जुगाड़ निकाला और जुगाड़ निकाला है भाई, दिखाना क्या है ये स्कूटी का कवर है ये बांध दिया क्योंकि यार भाई की जान है, ये देखो ये वाटर प्रूफ नहीं है तो ये हो गया जुगाड़, टीजेसी ब्रांडिंग कर रहे हैं भाई, बढ़िया जुगाड़ और भाई अब निकलना पड़ेगा, मेरी जैकेट तो फिर भी वाटर प्रूफ है, गौरव की भी है, भाई की नहीं थी, भाई का कर दिया जुगाड़, अब निकलेंगे बैठ जाते। रास्ता अभी बाकी है तो कम से कम भी तो 15 से 16 किलोमीटर बचा है वाल्दम से लोल्टी और बारिश हो गई है और तगड़ी थोड़ी सी और ग्लव्स भी मैंने उतार दिए क्योंकि गीले हो गए थे तो हाथ जम रहे थे। बाकी तो अब घर जाकर पता चलेगा आज कितनी कुकड़ी बजी है। ओ बहुत तगड़ी भयंकर वाली ठंड एकदम, इग्नोर करो गाइस, बाहर निकलना ठंड में, दुनिया कोविड से मर रही है, हमें लग रहा है हम ठंड से जाएंगे। 0 डिग्री टेम्परेचर कड़काते हुए, ये देखो ये कीचड़ था, पूरा कीचड़ ही कीचड़ और यहाँ पर कीचड़ में थोड़ी सी बाइक गिर गई, स्किट हुई हल्की सी, एक बार स्किट हो गई गलती से, तो वैसे लगी होगी है नहीं, ग्लव्स पहन रखे थे और हेलमेट पहन रखा था बस यहीं पे, तब भाई भाई आ गए फिर तो लगी होगी तो नहीं है, बस चलते हैं फिर यार, बाइक भी ठीक ही है, ग्लव्स की हालत देख सकते हो पूरा मिट्टी हो गए। तो भाई अभी पहुंचे हम घर पे और मतलब आप लोगों ने देखा कि कितनी बारिश हो रही थी, इनफैक्ट मैं गिरा भी एक बार और जैसे कि आज की राइड थी बागेश्वर तक की थी, मतलब बागेश्वर में TVS की 2 स्कूटी देनी थी एंटॉर्क, वो हमने सर्विस भी करवा ली और वहाँ पे बागेश्वर मंदिर, बागनाथ जो मंदिर है बागेश्वर में, वो भी हम घूम के आ गए। इनफैक्ट मैंने मंदिर का ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं क्योंकि यार दिखाना नहीं चाहिए मंदिर का, मैंने जैसा सुना है कि मतलब मंदिर के मेन मतलब अंदर का नहीं दिखाना चाहिए, इनफैक्ट वहाँ पे अलाउड था, कोई कुछ बोलने वाला था नहीं, बट मैंने नहीं दिखाया इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा कि मतलब बाइक जैसे स्किट हुई थी, पूरा मैं ऑलरेडी गीला हो चुका था, प्रॉपर तरीके से बाइक चल भी नहीं रही थी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मैं और गौरव घर पे और अभी मैंने कपड़े वपड़े सारे चेंज कर लिए हैं तो बस अब घर पे पहुंच चुका और अब करने गए डिनर। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी।